पहले तो वैसे ही उठा जैसे अपने रोज़ सुबह उठते हैं, नॉर्मली 8 बजे 8:30 बजे। फिर ना हुआ कि जस्ट रेडी हुआ एज यू सी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज बहुत दिन बाद हम आपको वेलकम कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा मार्केट साइड अपने दोस्त के साथ, उसको कुछ काम है दिग्विजय को, तो अपना भी एक दो वर्क है उसको भी निपटा देंगे, ठीक है। और हाँ हेलो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बस नीचे आ रहा हूँ, रुक जाओ, खड़े रहे, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। खोद दिया है यहाँ पे, ये ऑपोजिट साइड से हम लोग जा रहे हैं अभी। तो अभी पुष्पा लगी हुई है, पुष्पा पुष्पा राज। सो अपना जो वर्क था वो मार्केट का ख़त्म हो गया, और ये पेपर लिया है मैंने, इसका थोड़ा अपने को काम है। तो अभी मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ कि मुझे क्या पेट्रोल भराना है अपनी स्कूटी में। तो अपना पेट्रोल का मीटर बंद है, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इधर अपने पीछे स्टेशन साइड जाऊँ भराने, या जो अपना जो कॉलेज वाला पेट्रोल पंप है, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है ऑलमोस्ट। स्टेशन साइड जाऊँगा तो उधर ट्रैफिक इतना आएगा, और पूरा रोड तो खुदा हुआ है जैसा आपने पहले देखा, और यहाँ साइड जाऊँगा तो यहाँ पर रोड तो एकदम मस्त मिलेगा। मेरे हिसाब से हमें जो हाईवे वाला है वो पेट्रोल पंप वहीं जाना चाहिए, वो सही रहेगा, क्या बोलते हैं, है ना। और हाँ, मैं ये नारियल लेने आया था, इसके चक्कर में ये सब हो रहा है। तो ये जो है तत्काल हनुमान जी मंदिर है, यहाँ पर जितने भी काम है सब तत्काल में हो जाते हैं। ये जो मेरी स्कूटी, इसके दोनों ही मीटर बंद हो गए, पता ना, फ्यूल वाला चल रहा है ना ही ये मीटर चल रहा है। कैमरा कितना ज़्यादा ये ग्रीनरी अट्रैक्ट कर रहा है, देखो कि नेचुरल कलर को भी हटा ही दे रहा है। देखो ये वही वाला रोड है जिधर से मैं अपने हेलीपैड जाता हूँ, यहाँ से आप राइट टर्न ले लोगे ना तो हेलीपैड पहुँच जाओगे, यहाँ डाइवर्जन भी है ये देखो, यहाँ से ये अपना ये रास्ता हेलीपैड जाएगा। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 200-300 मीटर पे आ जाएगा अपना पेट्रोल पंप। और आज मैं अपने ग्लासेस भी लाना भूल गया यार, जल्दी जल्दी में, और ग्लासेस के बिना सही में मुझे नहीं चलता, पता नहीं क्यों ये। अरे देखो ये देखो, फ्यूलिंग तो हो गया पर एक दिक्कत आ गई, गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही, सारा क्या दिक्कत है इसमें। आई थिंक ये अच्छा, ये देखो ये पाइप देख रहे हो, ये निकल गया इसका। देखो सामने देख रहे हो वो हेलीपैड है, और उसके जस्ट सामने ये पेट्रोल पंप अपना। सन ग्लासेस के बिना यार सही में चलता नहीं मुझे, स्टाइल मारने के लिए नहीं, बट जैसे कि धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा इधर, तो इसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोगों को भी पहनना ही चाहिए, चाहे वो सस्ता हो या महंगा, बट सन ग्लासेस ग्लास वाला पहनना चाहिए, प्लास्टिक वाला नहीं, ग्लास वाला पहनना, ठीक है। तो फ्यूलिंग हो गया अपना, आप चलते हैं घर की तरफ। ये वाला जो पेट्रोल पम्प है उससे बहुत ज़्यादा राहत हो गई सब लोग को, पता है, इससे मतलब कि यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं था तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, बट अच्छा ये वाला ओपन कर दिया लोगों ने। सो घर आ गए हम लोग, और अब थोड़ी चाय वाय पियेंगे, चाय बन के रेडी, और ऑलमोस्ट अभी 4 बजने वाले, 4 बजने वाले, ठीक है। आज हम चाय के लिए लेट हो गए, वैसे 3:30 बजे एक कप तो चाहिए ही चाय का।
एक एनर्जी डोज। तो ऐसा है कि ये जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, तो इसमें मैं थोड़ा क्या अभी इंक्लूड कर रहा हूँ अपना लाइफस्टाइल, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मुझे जाने एक नॉर्मल लड़के की कैसी होती है लाइफस्टाइल। आई थिंक मेरी लाइफस्टाइल आप लोगों से रिलेट कर रही हो थोड़ा बहुत ही, सही 10% ही। एक दूसरी बात यह है कि जो भी इंसान वीडियो बनाता है इंस्टाग्राम के लिए और कहीं के भी लिए, वो है ना अपनी जो परफेक्ट चीज़ होती है वही दिखाते हैं। जैसे कि सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही इंस्टाग्राम पे सब दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे। बट मैं ऐसा चाहूँगा कि जो अपना मतलब कि नॉर्मल लोग होते हैं वही दिखाएं अपने, कि कुछ अपने खास है नहीं। और अपना जो व्लॉग है थोड़ा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश अपने करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब नया करते हैं। ओके तो अभी शाम हो रहा है अपना और अराउंड 6 बज रहा है, तो अभी 10-20 मिनट बाद हम निकलेंगे अपनी क्लास के लिए, ठीक है। और अपने